क्या हाल है आपका? ठीक है, वोट बन गया आपका? जी जी, पहला वोट आपकी जिंदगी? जी जी। क्या सोचा है पीटीआई? क्या सोचकर पीटीआई सोचा है? खान इसलिए क्योंकि एक तो वो हमारे मुल्क के अंदर ही रहते हैं, हमने नवाज शरीफ को देखा कि वो मुल्क छोड़ के भाग गए, जब भी उनके ऊपर मुश्किल वक्त आता है वो मुल्क छोड़ के भाग जाते हैं, ये उनकी बड़ी अच्छी बात है। दूसरा, काफी लोग कहते हैं कि हमें सेहत कार्ड नहीं मिले, मेरे खुद फैमिली के अंदर मेरे अजीजों का उनको मिले, उसके ऊपर उन्होंने इलाज भी करवाया। अब ये जब आए इन्होंने कहा कि 2000 रुपए हम गरीब को देंगे, 2000 में आजकल क्या बनता है? कुछ भी नहीं बनता, जितनी आपने महंगाई कर दी है जरा गरीब का कोई फायदा नहीं। इसलिए हम इमरान खान को वोट देंगे क्योंकि खान गरीबों का भी सोचता है, हमारा भी सोचता है और उसका नजरिया भी अच्छा है। ठीक है, वो मुल्क के साथ फेयर है। क्या हाल है आपके? ठीक है, वोट बना लिया आपने? वोट, हाँ जी, इस बार पहला वोट होगा। पहला वोट जी, बड़ी एक्साइटमेंट की बात है लोगों से बात करना कि पहला वोटर लाइफ का। आपको याद रहेगा हमेशा किससे कास्ट किया था, तो ऐसा ना कास्ट कर दीजिएगा, याद रखो कि यार की करता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, पूरा देख के सोच समझ के देंगे वोट, और यही सोचा है कि देना खान को है क्योंकि उसकी स्ट्रगल है, उसकी पूरे लीडर से जो भी देखा जाए, जो भी मुकाबले में है खान ही मिलता है, जो पाकिस्तान से मुखलिस इंसान है जिसने फलाही काम किए हैं पाकिस्तान के लिए, जिस और अभी अभी जो मुल्क की इसके लिए जरूरत है, जो बंदे की वो इसी बंदे, इस तरह के बंदे की जरूरत है जो मुल्क को बेहतर कर सके। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? जी ठीक है, पहला वोट होगा आपका लाइफ का? बिल्कुल, करवाया आपने? जी मैंने। क्या सोच के करवाया, क्या करेंगे? यही सोच ही करवाया कि पाकिस्तान के लिए कोई एक स्टेप ले सके। आई गेस के हम ही हैं तो हमारे से ये चेंज आ सकता है। खान की स्ट्रगल आपके सामने है, तो जितनी भी आपको पता है जो लोग डरते हैं उसे, तो आई गेस उसको उनको डरना नहीं चाहिए, एक मतलब कि वो जनरल होना चाहिए सब कुछ, कि अवाम ही लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए आपके ख्याल में। बिल्कुल ठीक है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? मैं ठीक। आप ठीक हैं? वोट बनवा लिया आपने? जी। ये पहला वोट होगा आपका लाइफ का, है ना? किसके लिए होगा, मतलब किसी कास्ट करेंगे बता दें, बताना चाहें तो? क्यों? सबको ही पता है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आपको भी आई एम श्योर पहला वोट होगा जी। तो क्या सोचा है, किसे किसे किस पार्टी को? ऑफ कोर्स पीटीआई को। व्हाई? बिकॉज वो हमारे लिए कुछ करती है, बेशक ज्यादा नहीं करती लेकिन 50% तो करती है। ओके। के कुछ ना कुछ हमारे लिए उसने बहुत बेहतरी की थी जब उसकी हुकूमत आई थी, नवाज शरीफ से तो बहुत बेहतर है, तो इसलिए आपको लगता है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? आप सारे लोगों का पहला वोट है जी, बनवा लिया आपने वोट जी। तो क्या सोचा, किसको किसको वोट कास्ट करेंगे पहला? वैसे तो करने का तो नहीं कर रहा, तो मेरा ख्याल है कि इस साल इंडिपेंडेंट्स को वोट देना चाहिए। इंडिपेंडेंट्स को क्या सोच के वोट देना चाहिए? कि वो आगे आए ताकि वो थोड़ी पॉलिटिकल स्टेबलमेंट्स आ सके। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आ जाओ बेटा, प्लीज प्लीज प्लीज, ले ले ले, मैं आ जाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? ठीक है, थोड़ा थोड़ा रास्ता दे, खैरियत से हैं आप? सबका पहला वोट बन गया होगा आई एम श्योर, और पहला वोट डालने की लाइफ में बड़ी एक्साइटमेंट होती है, तो किसके लिए होगा आपका पहला वोट? मैं इस दफा इरफान को चांस दूंगी, वैसे मेरी पूरी फैमिली तो नवाज शरीफ को सपोर्ट करती है, लेकिन आई गो फॉर इरफान दिस टाइम। चांस फैमिली आपको कुछ नहीं कहेगी कि आप? नहीं, मुझे लगता है मैं इंडिपेंडेंटली। फैमिली में डेमोक्रेसी आपके साथ? हाँ जी। रीजन क्या है इमरान खान साहब वोट? रीजन ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत सी चीजों में अब मतलब कि तब्दीली ला रहे हैं बहुत सी चीजों में, और मुझे लगता है वो पाकिस्तान को जैसे वो नया पाकिस्तान कहते हैं वो बना सकते हैं। 3.5 साल में क्यों नहीं बनाया आपके ख्याल में? हाँ, उन्होंने अगर मैं सही अपना आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताऊं, ना नवाज शरीफ ने इतना कोई खास काम किया है और ना इमरान खान ने इतना कोई खास किया है। नवाज शरीफ को हम लोग हमारी पूरी फैमिली जितनी भी है उसी को सपोर्ट करी है, उसी को वोट देती आ रही है, तो मुझे लगता है एक दफा उसका चांस बनता है। मजीद चांस। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पहला वोट किसके लिए? आई विल गो फॉर इमरान खान। और रीजंस क्या? रीजंस है कि ही हैज डन प्रीटी गुड थिंग्स। जो सबसे उसने अच्छा काम किया वो था, उसने लॉयर जो थी उसका तबका उसको ऊपर किया, उसने जैसे भी थे उसने रेजिडेंशियल दिया लोकल पीपल को, सेहत कार्ड बनवाया, और बहुत से उसने ऐसे काम किए जैसे हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते, एंड एडिशनली ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन। तो आई विल गो फॉर इमरान। नवाज शरीफ तो बिल्कुल भी आए नो, ही मुझे पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? पहला वोट किसे कास्ट करेंगे आप? सर आई डोंट थिंक सो कि वोट देना बनता है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हमें ना न्यू कमर्स को देना चाहिए कि वो लोग आए और आके सिचुएशन को कुछ बेटर करें, बिकॉज खान का सीन ये है कि वो लॉयल तो था। सो अभी कैबिनेट अच्छी नहीं हो सकती आपके ख्याल में फ्यूचर में, अगर गवर्नमेंट आती है उनकी? तो कैबिनेट का सीन ये है कि वो सारी लुटी पुटी आवाम जो है बाकी पार्टीज की वो इंटर हो जाती है, देन फिर हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? पहला वोट बन गया आपका? हाँ जी। और सोचा आपने किसको वोट कास्ट करेंगे पहला? किसी को भी नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी सही नहीं कर चल रहा, लाइक न्यू जनरेशन को मिलना चाहिए मौका, ये सारे एक दूसरे के साथ खेल के पाकिस्तान को खिला रहे हैं। न्यू जनरेशन कैसे, उसको कैसे मौका मिलेगा, क्या सोचा आपने? लाइक जैसे अब नवाज शरीफ है, ठीक है, अगर अब कोई इमरान खान का सपोर्टर आता है, वो जेल वगैरह का जो चल रहा है सीन, ठीक है, इसी तरह अब अगर यानी कि इन दोनों को साइड पे किया जाए और यानी कि वोटिंग को लेकर आया जाए दोबारा,
तो आई थिंक जानके ज्यादा मजे। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? नए वोटर्स हैं आप, आई मीन पहली बार वोट कास्ट करेंगे, तो किसके लिए होगा वोट आपका? वो इंशाल्लाह इंशाल्लाह खान को दूंगी। और उसकी क्या वजह है? वजह ये है कि मैं अपने घर में देखती हूँ उसको मुसलसल कि किस तरह से वो पूरी हमारी कौम के लिए बेहतर है, तो इंशाल्लाह मेरा फर्स्ट जो होगा वो इमरान खान को जाएगा। आपका वोट पहला अगर बन गया मुझे तो? मतलब इतना नहीं है आइडिया कि कौन बेस्ट है। आपको आइडिया क्यों नहीं है? ये सारे तो मेरे ख्याल ये सब ट्विटर पे होते हैं, फेसबुक पे होते हैं। आप क्योंकि मैं मतलब मैं यहाँ पे पाकिस्तान में इतना रही नहीं हूँ और ना मैंने मतलब इसमें पॉलिटिक्स वगैरह का आइडिया मुझे है, लेकिन मैंने बहुत सुना है कि खान जो है कि वो न्यू जनरेशन को ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए मेरा भी यही है कि चलिए। थैंक यू सो वेरी मच जी। ये गुफ्तगू आपने सुनी UMT के बड़े खूबसूरत कैंपस में और बड़े एनर्जेटिक नौजवानों को हमने यहाँ जाना, बड़ी डाइवर्स आरा थी यहाँ लोगों की, नून लीग के हमायती भी दिखाई दी, मजहबी जमातों के हमायती भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, पीपल्स पार्टी का शायद हमें कोई बंदा यहाँ पे दिखाई नहीं दिया। लेकिन जी आपका वोट बन गया? जी जी। तो आपका वोट किसके लिए होगा? इंशाल्लाह सिराजुल हक के लिए, जमात इस्लामी के लिए। जनाब चलिए फाइनली एक और ओपिनियन आ गई हमारे पास।